नमस्कार मित्रों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आज का विषय है पवन, तूफान और चक्रवात, यानी विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। आज का विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसे हमारी पाठ्य पुस्तक में इसलिए शामिल किया गया है ताकि हम, जो कि आजकल की पीढ़ी है, हम कभी भी तूफान या चक्रवात, ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आए तो हमें पता चले कि हमें क्या करना है और हमें यह भी पता रहे कि यह तूफान या चक्रवात क्यों आते हैं। आज हम इसी के ऊपर विस्तृत रूप से बात करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी जानकारी देना चाहूंगा। उड़ीसा के तट पर 29 अक्टूबर को एक चक्रवात आया था जो कि 260 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन वेग से आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, करोड़ों रुपयों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। लेकिन यह चक्रवात आया कैसे, यह चक्रवात होता क्या है, यह कैसे बनता है, यह इतना विनाशकारी क्यों होता है? देखिए, हमारे पास कितने सारे सवाल हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि गतिशील वायु ही पवन कहलाती है। चलिए मित्रों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कि आज के विषय में हम क्या चर्चा करेंगे। आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। वायु दाब डालती है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। तड़ित झंझा और चक्रवात, और आखिर में प्रभावी सुरक्षा उपाय। मित्रों, अब हम अपने पहले विषय के बारे में देखेंगे, जो है वायु दाब डालती है, यानी एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इसे हम एक क्रियाकलाप से समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो टिन का एक डब्बा लीजिए जिसके साथ उसका ढक्कन होना भी जरूरी है। इसमें थोड़ा पानी भरिए और पानी को गर्म कीजिए जब तक कि वह उबलने न लगे। पानी को थोड़ी देर उबलने दीजिए, फिर आप टिन के डब्बे को लौ से दूर ले जाइए और तुरंत ही उसके ढक्कन से उस टिन के डब्बे को बंद कर दीजिए। अब उस टिन के डब्बे को सावधानी से वॉश बेसिन में ले जाकर उस पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आया? आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डब्बा विरूपित क्यों हो जाता है। जब डब्बे पर पानी डाला जाता है तो डब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डब्बे के भीतर वायु का दाब डब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डब्बा पिचक जाता है। हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ेंगे। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। हाई स्पीड विंड्स आर एकॉम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। इसे भी हम एक क्रियाकलाप से ही समझेंगे। किसी कागज के टुकड़े को इस तरीके से बोतल के अंदर रखिए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के अंदर डालने की कोशिश कीजिए। अपने मित्रों को भी यह क्रियाकलाप करने को बोलें। आप पाएंगे कि इस कागज के टुकड़े को बोतल के अंदर डालने में आपको मुश्किलें आएंगी। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे लिए कागज के टुकड़े को अंदर डालना मुश्किल क्यों है। जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहां वायु दाब घट जाता है
बोतल के भीतर वायुदाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक होता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है और इसी कारण यह कागज का टुकड़ा आराम से अंदर नहीं जाता। हम देखेंगे गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। सबसे पहले तो आप एक क्वथन नली लीजिए और उसे उस पे एक गुब्बारे को कसकर बांध दीजिए। इसके बाद एक बीकर में 2/3 गर्म पानी भरिए और क्वथन नली को इस तरीके से उसमें डाल दीजिए। फिर 2 से 3 मिनट तक रुकिए और देखिए कि यदि गुब्बारे के आकार में कोई परिवर्तन आता है। इसी तरीके से एक बार क्वथन नली को ठंडे पानी में रख कर देखिए और पता कीजिए कि गुब्बारे के आकार में क्या परिवर्तन आता है। आपने यह देखा होगा कि जब हम क्वथन नली को गर्म पानी में रखते हैं तब गुब्बारा फूल जाता है, वहीं ठंडे पानी में यह पिचक जाता है। इससे हम यह कह सकते हैं कि वायु गर्म होने पर फैलती है और उसमें प्रसार होता है। मित्रों, अब हम जानेंगे तड़ित झंझा और चक्रवातों के बारे में, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि तड़ित झंझा चक्रवात कैसे बन जाता है। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल में ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होता है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग से अधिक वायु गति करने लगती है। इससे चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। इन चित्रों में आप देख सकते हैं कि चक्रवात किस तरीके से उत्पन्न होता है और किस तरीके से वह आगे बढ़ता है। अब हम अपने आखिरी विषय की ओर बढ़ रहे हैं, जो है प्रभावी सुरक्षा उपाय, सेफ्टी मेजर्स। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी एवं सामाजिक स्तर पर व्यवस्था, चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्रातिशीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य,
हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू सामान, वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची हमें अपने साथ रखनी चाहिए। आपात स्थिति के लिए जन का संग्रहण करें। गीले स्विच और खंभों से टूटी बिजली के तारों को ना छुएं। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान। मित्रों, मैं अंत में आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा और सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूं।